का आपको जब भी आपके पास में ये क्षेत्रफल, ये वाला, ये क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल दे रखा हो चतुर्भुज में और आपको पूछे कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा मेरे भाई, तो कैसे ज्ञात करते हैं? आपको ध्यान रखना कि किसी भी चतुर्भुज होता है, कोई भी सार अल्लू लल्लू कोई शाबरा, ठीक है, उसके चार जिस प्रकार विकर्ण की सहायता से भाग बनते हैं, इसका क्षेत्रफल मान लेता हूँ ए है, इसका बी है, इसका सी है, इसका डी। एक कंडीशन ध्यान में रखना मेरे भाई, एक कंडीशन ये होती है कि ए का गुणा जब बी ए का गुणा सी से, मतलब सम्मुख का क्षेत्रफलों का गुणनफल, सम्मुख क्षेत्रफल को सम्मुख क्षेत्रफलों का गुणनफल के बराबर होता है, मतलब सम्मुख क्षेत्रफलों का गुणनफल सम्मुख क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर होता है। इसी प्रकार यहाँ पे यदि अपन कॉन्सेप्ट लगाने के प्रयास करें तो यहाँ पे ए का मल्टीप्लाई मेरे भाई कितने के साथ में होगा, सीधी सी बात है 18 के साथ में हो जाएगी, और बराबर में अपन कितना लिख सकते हैं, देखिए इसका गुणा इसके साथ में किया मेरे भाई, और इसका गुणा किसके साथ में करेंगे, इसका गुणा किसके साथ में करेंगे अपन, देखिए सम्मुख का गुणनफल करना है आपको, बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक है, इसका गुणा इसके साथ में करो, यानी कि 8 के सम्मुख कौन सा है, 9। देखिए यहाँ पे कटने वाला मेरे भाई 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ठीक है। अब देखिए ए इंटू कितना आ गया मेरे भाई, 2 बराबर कितना आ गया 8। अब कितना होगा 2, यहाँ पे गुणन है अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ए बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, ये ए का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा मेरे भाई, ए का क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे अलग अलग प्रश्नों को आसान तरीके से हल किया जा सकता है। मैंने क्या बताया कि जिस प्रकार से कोई भी चतुर्भुज रहा मेरे भाई, जैसे ये कोई भी चतुर्भुज रहा, अब देखिए इसके विकर्णों को आपस में ऐसे बांध लो, खींच लो। अब क्या होता है कि जिस प्रकार से मेरे भाई आप बात आती हैं कि जिस प्रकार से इसका क्षेत्रफल ए है, बी है, सी है, डी है, अब क्या होता है इसका गुणनफल करो आपस में, क्षेत्रफल बराबर होगा तो ए का गुणा किसके साथ में होगा, सम्मुख क्षेत्रफल के साथ में होगा, तो ए का गुणा सी के साथ में करो मेरे भाई, और डी का गुणा किसके साथ में करेंगे, डी का गुणा बी के साथ में करेंगे। तो ये पार्ट से नज़रिया कुछ आपको मिल सकता है बराबर देखने के लिए। इस प्रकार कोई भी भाग जो छूटा हुआ होता है उससे क्या निकाल सकते हैं, किसी भी भाग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, जब तीन क्षेत्रफल भाग का क्षेत्रफल दे रखा और किसी अपन एक छूटे हुए भाग का क्षेत्रफल गुणनफल एक विधि की सहायता से निकाल सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।